दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। ये है टाइटन IX मेड विथ क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज। ये एक स्मार्ट सनग्लासेस है जो कि बिल्ट इन माइक्रोफोन के साथ में आता है और बिल्ट इन ओपन स्पीकर्स के साथ में आता है। जो स्पीकर्स है ये बेसिकली यहाँ पर है, आपका जो कान है उसके काफ़ी नज़दीक है, बहुत ही क्लियरली आपको ऑडियो सुनाई देने वाला है। और अगर आपके बगल में कोई व्यक्ति है तकरीबन 2 या 3 फीट के आसपास, उसे जो ऑडियो है वो ज़्यादा करके सुनाई नहीं देने वाला है। डिपेंड करता है कि आपने वॉल्यूम कितना रखा हुआ है। अब ये जो स्मार्ट सनग्लासेस है इसका उपयोग करके आप कॉलिंग कर सकते हैं, किसी का कॉल रिसीव कर सकते हैं, फ़ोन के साथ में ये कनेक्ट होता है। लेकिन इसमें एक और फीचर दिया हुआ है जो कि आमतौर पर आपको दूसरे सनग्लासेस में नहीं मिलता है, और वो है फिटनेस ट्रैकर। जी हाँ दोस्तों, इसमें फिटनेस ट्रैकर दिया हुआ है, ये आपके स्टेप्स को काउंट कर सकता है। अभी जो स्टेप काउंटर है ये कितना एक्यूरेट है और स्मार्ट वॉचेस के कंपैरिजन में इसकी जो एक्यूरेसी है वो कैसी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, देखते रहिए। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका प्राइसिंग है 9,500 रुपीज़ के आसपास। ये मैंने अमेजोन से ख़रीदा हुआ है और मैंने सोचा नहीं था कि ये जो प्रोडक्ट है ये इतना बढ़िया होगा। तो ये देखिए, ये है इसकी बॉक्स पैकिंग, एकदम प्रीमियम लेवल की बॉक्स पैकिंग है। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है जिसके अंदर यूज़र मैनुअल है। और ये देखिए, ये है स्मार्ट सनग्लासेस टाइटन IX जो कि काफ़ी अमेजिंग दिखता है, प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। इनके अलावा एक पाउच दिया हुआ है और एक क्लॉथ दिया हुआ है जो ग्लासेस है उन्हें क्लीन करने के लिए। वैसे बेहतर होता बॉक्स में अगर कोई हार्ड केस दिया होता। और ये है चार्जिंग डॉक जिसका उपयोग करके आप ये जो सनग्लासेस है इसे चार्ज कर पाएंगे। अब देखिए, जो सनग्लासेस है इसके यहाँ पर एज वेल एज यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स दिया हुआ है। ये जो डॉक दिया हुआ है इसे आपको यहाँ पर एज वेल एज यहाँ पर अटैच करना है, तो दोनों जगह पर आपको अटैच करना है। और ये जो USB कनेक्टर है इसे आप आपका जो स्मार्टफोन का अडैप्टर है उसमें डाल सकते हैं, या फिर जो लैपटॉप है या फिर जो डेस्कटॉप है उसका जो USB पोर्ट है उसमें डाल सकते हैं। और इस प्रकार से ये जो स्मार्ट सनग्लासेस है इसे आप चार्ज कर पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दोनों पॉइंट्स को आपको चार्ज करना है, क्योंकि ये दोनों सेक्शन में बैटरी है। और यहाँ पर LED नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है। ये जो एरिया है ये टच सेंसिटिव एरिया है, वही सेम चीज़ लेफ्ट साइड पर भी दिया हुआ है। तो जब आप ये जो सनग्लासेस है इसे खोलते हैं और पहनते हैं, पहली बार तो आपको इसे आपका जो स्मार्टफोन है उसके साथ में पेयर करना है। इनकेस अगर आपको पेयरिंग में कोई इशू आता है तो इसे आप हार्ड रीसेट कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी जो यूज़र मैनुअल है उसमें दिया हुआ है। अब मैंने इसे पहना हुआ है, ऑटोमेटिकली ये स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट हो गया है और मुझे नोटिफिकेशन भी मिला है कनेक्टेड। अब मुझे नहीं पता कि आपको ये जो नोटिफिकेशन है सुनाई दिया या नहीं, लेकिन मुझे काफ़ी बढ़िया तरीके से सुनाई दिया है। जैसे कि मैंने कहा, इसमें जो ऑडियो है इसका जो रेंज है डिपेंड करता है कि आपने वॉल्यूम कितना रखा हुआ है। अगर आप 50% वॉल्यूम रखते हैं तो तकरीबन इतना दूर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसे कुछ हद तक आवाज़ सुनाई देने वाली है, लेकिन वो क्लियरली ये जज नहीं कर पाएगा कि क्या हो रहा है। तो मैंने जो टेस्ट किया था उसमें 25% के आसपास अगर आप वॉल्यूम रखते हैं तो जो दूसरा व्यक्ति है इतना दूर भी अगर रहेगा तो उसे इसकी जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं देने वाली है। तो एक तरह से आपको डिस्क्रीट साउंड एक्सपीरियंस भी मिल सकता है, खास करके अगर आप किसी से बात करते हैं तो। तो इसका जो फ्रेम है, इसकी क्वालिटी एज वेल एज जो ग्लासेस है इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। मैं आपको जो एप्लीकेशन है वो बताता हूँ। टाइटन IX करके जो एप्लीकेशन है उसे आपको आपका जो स्मार्टफोन है उसमें डाउनलोड करना है। और यहाँ पे देखिए डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है, क्योंकि ये जो स्मार्ट ग्लासेस है इसे मैंने पहना नहीं है। जैसे ही मैं इसे पहनता हूँ कुछ ही देर के बाद ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड दिखाने वाला है, ये देखिए। और मुझे वॉइस नोटिफिकेशन भी यहाँ पर मिला हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बैटरी परसेंटेज है ये 80 पे पहुँच गया है। इनफैक्ट मैंने इसे 2 दिन तक यूज़ किया है और बैटरी लाइफ काफ़ी बढ़िया है, आई थिंक 7 to 8 days आसानी से चल सकता है। अब डिपेंड करता है कि आप कितना इस पर ऑडियो सुनते हैं या फिर मूवीज़ वॉच करते हैं। और फीचर्स में कैमरा रिमोट, ये जो सनग्लासेस है इसे एज अ रिमोट कंट्रोल की तरह आप यूज़ कर पाएंगे स्मार्टफोन का जो कैमरा है उससे फ़ोटो खींचने के लिए। प्रेजेंटेशन मोड है, फाइंड माई डिवाइस है, और सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यूनिट्स, नोटिफिकेशंस के लिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। बेसिकली आपको साउंड नोटिफिकेशन मिलने वाला है, फर्मवेयर अपडेट अगर कोई होगा तो यहाँ से आप उसे कर पाएंगे, और टच जेस्चर्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपको ये जो टच जेस्चर्स है इन्हें यूज़ करना है। जो टेम्पल है वहाँ पर आप स्वाइप कर सकते हैं और टैप, दोनों फीचर्स काम करता है। और जो होम सेक्शन है यहाँ पर फिटनेस, ये देखिए यहाँ पर मेरा जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए, ये तकरीबन 6K के आसपास स्टेप काउंट है, और ये तकरीबन 4,800 के आसपास स्टेप काउंट है। तो 2 दिन मैंने एक्टिविटी किया था उसका रिजल्ट यहाँ पर है। और ये देखिए, ये जो स्टेप काउंट है ये मेरा स्मार्ट वॉच का स्टेप काउंट है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो एरिया है
यहाँ पर तकरीबन 5K और 7.5K, और ये है दूसरा टेस्ट। यहाँ पर मैंने क्या किया था कि ये जो स्मार्ट वॉच है इसे मैंने तभी पहना था जब मैंने जो सनग्लासेस है इसे पहना था, ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चले कि दोनों का रीडिंग कैसा है सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखें 5158 का स्कोर मुझे मिला हुआ है स्टेप काउंट, और यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टेप काउंट है तकरीबन 4800 या 900 के आसपास। तो इसका जो स्कोर है ये स्मार्ट वॉच के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, लेकिन कंसिस्टेंट है। तो ये जो टाइटन का स्मार्ट सनग्लासेस है इससे आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलने वाला है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो स्कोर्स है वो इतना क्लोज होगा। और मैंने एक और टेस्ट किया हुआ है गाड़ी में, उसे भी चेक करते हैं। तो दोस्तों अब ये जो गॉगल्स है इसे मैंने पहना हुआ है, इसका अगर सनग्लासेस की बात करें तो जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है, मतलब कि प्रीमियम लेवल का है। और यहाँ पर अब मैं कार में हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें जो ट्रैकिंग करता है आपका जो फिटनेस एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है, अगर मैं कार चला रहा हूँ तो उस समय क्या ये स्टेप्स को काउंट करता है या नहीं, वो मैं चेक करने वाला हूँ। और फिलहाल ये देखिए जो स्टेप काउंट है ये है तकरीबन 4120 के आसपास। अब मैं कार चलाने वाला हूँ, देखते हैं कि ये जो वैल्यू है ये चेंज होता है या नहीं। तो कार को मैंने कुछ देर चलाया है और अब चेक करते हैं कि जो रीडिंग है स्टेप काउंट वो चेंज हुआ है या नहीं। तो इसका जो रीडिंग है ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, 4120 वैसा ही सेम रीडिंग है। मतलब ये कि अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं या फिर ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस दौरान ये जो स्मार्ट ग्लासेस है ये आपका जो स्टेप काउंट है उसे काउंट नहीं करने वाला है। इसमें जो माइक्रोफोन है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, दूसरे व्यक्ति को मेरी आवाज़ काफ़ी क्लियरली सुनाई दे रही थी, और स्पीकर की जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो दोस्तों ये है टाइटन IX, इसका प्राइसिंग है तकरीबन 9500 रुपीज़ के आसपास। काफ़ी बढ़िया स्मार्ट ग्लासेस है, अगर आप ये खरीदना चाहते हैं इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखते रहिए।